दोस्तों पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑल राउंडर अमाद वसीम ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी अपनी सेमी फाइनलिस्ट टीमों से मुतल्लिक पेशगोई की है। गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद आमिर ने आज के इफ्तिताही मैच से मुतल्लिक भी पेशगोई की है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच में न्यूजीलैंड जीतेगा क्योंकि इनका बॉलिंग कम्बिनेशन और टीम ज़्यादा अच्छी है। अहमद वसीम ने आज के मैच के लिए इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया और कहा कि न्यूजीलैंड के साथ मैच में इंग्लैंड फतह करेगा। मोहम्मद आमिर ने कहा कि पाकिस्तान की जगह सबसे पहले मैं न्यूजीलैंड को फेवरेट करार दे रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान कहूँगा क्योंकि हमारी टीम पर अब कोई दबाव नहीं है। जब पाकिस्तान पर दबाव नहीं होता तब टीम अच्छा परफॉर्म करती है। दोस्तों मोहम्मद आमिर की बातों में सच्चाई मौजूद है क्योंकि आज न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी दिखाई है और इंग्लैंड की टीम को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त दी है। दोस्तों अब मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान की टीम को अपना फेवरेट टीम करार दे दिया है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी पहुंच पाएगा या नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।